आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में दशा माता की पहली कथा लेकर आए हैं। तो प्रेम से बोलिए, दशा माता जी की जय हो। किसी गांव में एक सास और बहू रहती थी। बहू का पति विदेश में था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने गई, पर किसी ने उसे अग्नि नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगी, अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ घर लौट आई और सास से कहा, गांव में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई अग्नि नहीं देता। शाम को सास अग्नि लेने गांव में गई, तब स्त्रियों ने उसे कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण अग्नि नहीं दे सके। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलोटी की ब्याई है? आदमी ने कहा, हाँ बछड़ा है। सास ने बहू से कहा कि हम तुम भी गंडे ले और व्रत करें। दोनों ने गंडे की पूजा की। सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास और बहू दोनों पारणा करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने आवाज लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि मैं पारणा कर चुकूंगी, तब दरवाजा खोलूंगी। बहू ने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई और जाकर दरवाजा खोला। पति ने पूछा कि माता कहाँ है? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारणा कर रही है। पति बोला कि इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही, माता लाएगी तभी पानी पीऊंगा। माता पारणा कर अपनी थाली धोकर पी चुकी, तब लड़के के पास गई। माता ने थाली परोसी, बेटा भोजन करने बैठा। हाथ में पहला घास लिया कि फरों के टुकड़े जो बहू ने थाली से फेंक दिए उचक कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा, यह क्या है? तब माँ बोली कि बहू जाने सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया और बोला, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं, उसको अभी घर से बाहर निकालो। माता ने पुत्र को हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक न मानी। वह यही कहता रहा कि उसे निकालो, मैं तभी घर में रहूँगा। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा भी शांत पड़ जाएगा। उसने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रहे। जब बहू वहाँ खड़ी हुई तो उसारा बोला कि दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। वह वहाँ से कचरे पर जाकर खड़ी हुई, तब कचरा बोला, इतना भार कूड़े का नहीं जितना तेरा है, चल हट खड़ी हो। इस तरह वह जहाँ जाती वहीं से हटाई जाती। वह अत्यंत दुखी होकर जंगल को भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधकूप में गिर पड़ी, पर उसे चोट ना आई।
वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां पहुंचे। उनके साथ के सब लोग बिछड़ गए। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें बहु गिरी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहु ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ कर रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई तू यदि पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई है, यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है, जो भी है बोलो। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे कुएं के बाहर निकलवा हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी में ले आए। महाराज को महलों की ओर आते देखकर रानी को खबर की कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी साथ ला रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई। महाराज सामने आ पहुँचे। तब रानी ने विनय की, महाराज मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए। इस पर नल ने हंसकर कहा कि तुम्हारी सोत नहीं मेरी बहन है। यह सुनते ही रानी का मुँह खिल उठा। राजा ने उसका नाम मुँह मौली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवा दिया। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई। तब मुँह मौली बहन ने अपनी दासियों से पूछा कि घोड़ी पहलोटी की ब्याई है या दूसरी या तीसरी बार। उन्होंने जवाब दिया कि ब्याई तो प्रथम बार ही है। तब उसने रानी से कहा, आओ भावज, हम तुम दोनों दशा माता के डोरे ले। रानी ने पूछा, किसके डोरे और कैसे डोरे, सो मुझे समझाओ। तब वह बोली कि दशा माता का व्रत का यह नियम है कि पहली पहली जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत करे। नौ व्रत करने के बाद दसवें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन करे। इसी के साथ उसने उसको पाने के नियम बतलाए। तब रानी बोली, नणंद यह कैसा व्रत है। नणंद बोली कि भाभी मुझे चाहे जो भी कह लो परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए श्रद्धा पूर्वक डोरा लिया। नौ दिन तक नौ व्रत किए, नौ कथाएं कही। दसवें दिन विधि पूर्वक पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारना करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास सी प्रेरणा हुई। वह अपनी माता से आज्ञा लेकर स्त्री का पता लगाने निकला। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना कि एक बोली, राजा हाल ही में मुँह मौली बहन लाए हैं, वह बड़ी सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी धर्मात्मा भी है, जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, यह तो सब ठीक है परंतु अब तक पता न चला कि वह कौन है। बातें सुनकर वह साधु का वेश बनाकर राजा नल की मुँह मौली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा
और आवाज लगाई तो प्रबंध करता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब लूँगा। तब लोगों ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके प्रार्थना कर रही है, तब तक ठहरे रहो। वह चुपचाप बैठ गया। प्रार्थना कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भरकर लाई, परंतु पैती को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। रानी ने ननद को मुस्कुराते देखकर पूछा, आज इस परदेसी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह तो हमारे ही घर वाले हैं। रानी ने राजा से कहा कि तुम्हारी मुँह मोली बहन के घर वाले आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि घर जाकर वहाँ से अपनी हैसियत के अनुसार आए, तब मैं अपनी बहन को विदा करूँगा। वह वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उनकी बहन होकर रहती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम उसे ले आओ। वह डोली कहार आदि के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने संबंधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। रानी बोली, ननंद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर देखती जाओ। तो उसने देखा कि राजा का संपूर्ण राशि वैभव लुप्त हो गया। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमली कथनी ओढ़े फिरने लगे। तब राजा नल बोले, रानी जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता, इसलिए यहाँ से जाना ही उचित होगा। रानी पतिव्रता थी। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ बेर के बक्सों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। वे बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के हो जाते। इसी तरह से राजा व रानी जो वस्तु हाथ से छूते वही कंकड़ पत्थर हो जाती। राजा रानी आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। रानी ने रोटियाँ सेक कर रखी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे तब रोटियाँ ईट हो गई। राजा रानी वहाँ से चलकर अपनी मुँह मोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा, कैसे आए हैं? तो सुना कि लटके चीथड़े आए हैं। और कैसे आए हैं यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा हुई। उसने उन्हें एक कुमार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भाव से मिलने गई। उसने सामने थाल रखा तो भावज ने कहा,
इस थाल में जो कुछ भी हो कुमार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने रानी के पूछा कि बहन आई थी? रानी ने कहा, आई तो थी पर जो कुछ लाई थी मैंने इसी चक्के के नीचे रखवा दिया। राजा ने देखा कंकड़ पत्थर के सिवा और भी कुछ नहीं था। राजा सब समझ गया कि वह सब कुदशा है। वे आगे चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र नल आए हैं तो उन्होंने पूछा, कैसे आए हैं? इन लोगों ने कहा, कमली ओढ़े कथनी बिछावे मांग मांग कर खाना खावे, ऐसे आए हैं। मित्र दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए आखिर मित्र आए हैं, उनको महलों में ले आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत कराया, भोजन कराया और एक कमरे में उनको सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर 9 लाख का हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा सो गए। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास वाली दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लग जाएगा। राजा रानी दोनों रात को उठकर भाग चले और एक अन्य राजा की राजधानी में पहुँचे। वहाँ सदा व्रत दिया जाता था। राजा रानी भी वहाँ गए। उस समय सदा व्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि वह लोग न जाने कहाँ से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाक्य सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी बोले, ऐसी कंजूसी है तो सदा व्रत देने का नाम क्यों करते हो? इस पर दाना अध्यक्ष ने कहा, राजा को कंजूस कहते हो, इसको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया। जिस कोठरी में राजा रानी के थे उसी के सामने से आम रास्ता था। एक महतरानी राजा की घुड़साल को पार हो उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली, तब रानी ने उसे पूछा कि आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई? वह बोली, आज राजा की घोड़ी पहली बार ब्याई है। रानी ने पूछा, क्या बछड़ा हुआ है या बछड़ी? तो उसने जवाब दिया, बछड़ा हुआ है और अच्छी सेहत में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा कि एक बार मैंने तुम्हारी मुमोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई, इसलिए आज मैं दशा रानी का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा, यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? रानी ने कहा, वही दशा रानी सब कुछ करेगी। तब 9 तार राजा की पाक के व 1 तार अपने आंचल से लेकर रानी ने डोरा बनाया और उसी समय व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछड़ा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल और दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि यह लोग कौन है और किस अपराध के कारण यहाँ बंद है। पहरेदारों ने कहा
कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको गालियां दे रहे थे, इसी कारण इन लोगों को कैद करा दिया है। राजा ने कहा, ये तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको संतुष्ट करना चाहिए, इनको अभी कैद से बाहर निकाल दो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय नल दमयंती दोनों को कोठरी से बाहर निकाले गए। राजा उनके पाँव में पद्म चिन्ह और माथे पर चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गया कि ये तो राजा नल और दमयंती है। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना करी और उन्हें हाथी पे बैठाकर अपने महलों में ले गया। कुछ दिनों के बाद राजा नल पूरे सज कर अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वे अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनी तो पूछा, मित्र कैसे आए? लोगों ने कहा, अब की बार तो वो बड़े ठाट बार से आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, आखिर मित्र है। राजा रानी दोनों मित्र को महलों में ले गए। उन्होंने उनका स्वागत करके उसी स्थान में फिर से उनका डोरा दिया जहाँ पहले ठहरे थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे, रानी पेड़ दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार निगल रहा था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगा कर दिखाया। राजा ने भी अपने मित्र को बुलाकर वह चरित्र दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने न तब तुमको चोरी लगाई थी न अब लगाता हूँ, यह सब कुदशा का कारण है। आप निश्चय रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुँह मोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं तब पूछा, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे आए हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल में आने दो। जब राजा नल का हाथी बहन की महल की ओर बढ़ा तब रानी बोली कि आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुमार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी से फिर झगड़ा क्यों मोल लेती हो? रानी नहीं मानी, वह कुमार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर गए। शाम को ननद भावज के लिए थाल लगा कर लाई और भावज के सामने रख दिया। तब भावज सोने चांदी के गहने उतार उतार कर कहने लगी और बोली, खाओ रे मेरे सोने चांदी के रुपये गहने खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे? यह देखकर ननंद बोली, मुझसे तो जो कुछ हो सका सो तब भी लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मणि माणिका का ढेर लगा था। रानी देखकर अचंभित रह गई और बोली, ननंद तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुदशा का ही कारण था। रानी ने ननंद का लाया हुआ सब सामान व कुछ अपनी तरफ से भी दिया पर पूजा का न्योता नहीं दिया। वह आगे चले, नदी के तट पर पहुँचे तो वही पड़ाव पड़ गया। राजा का रसोवड़ा चेताया गया। जब भोजन तैयार किया गया, राजा भोजन करने बैठे उस समय वे रोटियां जो ईट हो गई थी फिर से रोटियां हो गई। तब राजा ने पूछा कि यह सब क्या कौतुक है? रानी बोली कि
ये राजा वही रोटियां है जो उस दिन अपने काम में नहीं आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि रोटियां ईट हो गई है तो आप नहीं मानते। अब वहां से सेना सहित राजा और रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची, तब सबको अपने राजा को पहचान कर बड़ा आनंद हुआ और वे उन्हें महलों की ओर ले गए। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करते ही तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और सौभाग्य स्त्रियों को आमंत्रित किया। भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बड़ी बटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़ या शक्कर की गुजिया और 10-10 अठाइयां सुहागिनियों के आंचल में डाला गया। सुहागिनी को श्रृंगार करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया तो बत्ती ही न जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योते से रह गया तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर ही दीपक जलेगा। रानी ने कहा, मैंने तो सभी को न्योता दिलवा दिया, सिर्फ मुँह मोली बहन को न्योता नहीं दिया। राजा ने दूरगामी रथ भेजकर मुँह मोली बहन को बुलवाया। सुहागने को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा के लोग दशा माता जी का व्रत करेंगे। भगवती दशा माता ने राजा नल के कष्ट दूर किए, वैसे सबके करना। तो प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय हो।